नमस्ते बच्चों, अनुशासन के ऊपर और एक कहानी आपको सुनाता हूँ। कहानी मैंने एक उदाहरण ही है। वो राजू नाम का एक आदमी था, वो रेलवे में काम करता था, ट्रेन का ड्राइवर था, चालक था। तो हर रोज़ वो ट्रेन लेकर के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना, वहाँ रात को रोकना और सुबह आकर के फिर से वापस अपने गांव वापस आना, इस प्रकार से वो काम करता था। तो एक दिन उसके दिमाग में ऐसा आया कि यार क्या ये रोज़ रोज़ की ट्रेन की चक्कर है, झंझट है, आज मैं नहीं जाता हूँ। तो उसको ऐसा लगा कि नहीं, ये करूँगा तो मैं चलेगा। तो उसने वहाँ ऑफिस में बताया नहीं और ऐसे ही घर पे रह गया। कुछ काम करके करना था, ऐसा करके वो घर पे रह गया। अब आप कल्पना करिए कि वो गया नहीं तो वो ट्रेन कैसी चलेगी। वहाँ के उसके जो अफसर थे, उन्होंने देखा कि राजू आया नहीं है। एक दो बार उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया नहीं। फिर ट्रेन के जो अफसर थे उनके वहाँ के, उन्होंने और किसी ड्राइवर को का इंतज़ाम किया और फिर ट्रेन चली। लेकिन ये करने में हुआ क्या, ट्रेन देरी से चल गई, लेट हो गई ट्रेन। तो जो ट्रेन लेट हो गई उसकी वजह से ट्रेन के अंदर जाने वाले जो मुसाफिर थे उनको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। उसमें से कुछ मुसाफिर ऐसे थे कि उनको अलग जगह पे एक आगे वाले स्टेशन पे जा करके, वहाँ जो जंक्शन होता है ना स्टेशन रेलवे का, तो वहाँ स्टेशन जंक्शन पे उतर करके दूसरी एक ट्रेन पकड़नी थी। तो अब ये ट्रेन लेट हो गई तो वो ट्रेन चली गई, उनकी ट्रेन मिस हो गई। इसके अंदर पीछे एक लगेज का डिब्बा भी होता है, तो उसके अंदर लगेज के अंदर मैंने सामान रखने के लिए जो डिब्बा होता है उसके अंदर कुछ ऐसा सामान था जो खूब बहुत ही अर्जेंटली त्वरित गति से किसी जगह पे पहुंचाना था। अब ये ट्रेन लेट पहुंची तो वो सामान वहाँ पे लेट पहुंचा, उसको उसका जो उपयोग करना था तुरंत उसको वो नहीं वो कर पाया, तो उससे उसका उस व्यापारी का नुकसान हुआ। तो इस प्रकार से और सभी को तो मुश्किल तो हुई, सभी जगह पर मुश्किल हुई। ट्रेन चलती है तो एक साथ में सारे लोग उसके ऊपर काम करते होते हैं, एक ट्रेन लेट हुई तो उसके पीछे वाली सारी ट्रेन लेट हो जाएगी। फिर आपको तो अनुभव होगा ट्रेन से, कभी आप गए होंगे तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब यदि उसने अगले दिन कह दिया होता कि मैं कल छुट्टी पे हूँ, राजू ने कहा होता, तो उस अफसर ने पहले ही से ही अलग से इंतज़ाम कर दिया होता, व्यवस्था हो गई होती। लेकिन उसने कहा नहीं, उसने फ़ोन नहीं उठाया और गया ही नहीं। तो हमारे जीवन में भी ये हमेशा याद रखना है कि जो नियम बनाए गए हैं वो उसका बराबर से पालन करना है। यदि नियम पालन होता है तो ही सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती है, नहीं तो पूरी गड़बड़ हो जाती है। सही बात है। तो बच्चों, अनुशासन में काम करिए, आपका जीवन बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है ना। धन्यवाद।